हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे और उन्हें किस तरीके से चलाया जाता है वो भी साथ में करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम लर्न टू डू है, जिससे कि आप इसी तरीके की एजुकेशनल कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकें और उनसे कुछ हेल्प पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ए बटन। जब भी हमें अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करना होता है तो हम कंट्रोल के साथ ए बटन को जैसे ही दबाएंगे सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल ए आप प्रेस करिए और ये देखिए सारा का सारा सेलेक्ट हो चुका है। दोस्तों, दूसरी शॉर्टकट की है, अगर आपको किसी भी वर्ड को थोड़ा सा मोटे अक्षरों में दिखाना है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ बी बटन दबाइए तो ये अक्षर आपका मोटा दिखने लगेगा, जिसे हम बोल्ड बोलते हैं। दोस्तों, अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ आई बटन, जिससे कि हमारा जो शब्द है जिसे हम सिलेक्शन करेंगे वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आई बटन दबाएंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अगली शॉर्टकट की, जिसे हम कंट्रोल यू बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। सबसे पहले वर्ड को सिलेक्ट करिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ यू बटन दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको सारा का सारा मैटर को डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करके और डिलीट बटन भी दबा सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट बटन को दबाएंगे वो सारा का सारा मैटर डिलीट हो जाएगा। और अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को या मैटर को वापस लेके आना चाहते हैं तो अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल के साथ जेड बटन, जो हमारे डॉक्यूमेंट को वापस लेके आएगी। कंट्रोल के साथ जेड बटन, जिसे हम रिवर्स भी बोलते हैं। इसी की तरह अगली शॉर्टकट की है हमारी कॉपी पेस्ट। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट है। जैसे कि आपने किसी भी वर्ड को बार बार लिखना है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ सी बटन दबाइए। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ सी बटन दबा लेंगे उसके बाद आपको इसे जहां पर भी लिखना है वहां पर क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ वी बटन दबा दीजिए। जितनी बार आप कंट्रोल के साथ वी बटन दबाएंगे उतनी बार वो आता चला जाएगा। दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट। अगर हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद और हम चाहते हैं कि ये वर्ड यहाँ से हटकर किसी और दूसरी जगह आ जाए, या अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही यहाँ से हटकर कहीं और लिखा जाए, तो हम इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कट। दोस्तों, इसे कट करने के बाद आप जहां इसे चाहते हैं रखना वहां पर क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ वी पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तभी की तभी वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगली शॉर्टकट की है, दोस्तों, अगर आपको किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को जितना आपने सेलेक्ट कराया अगर आप उसे बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ स्क्वायर राइट स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करिए। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे आप अपने सेंटेंस को बड़ा कर पाएंगे जितने भी आपने सेलेक्ट करा है। अगर कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो इसी तरीके से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी वर्ड को बड़ा या छोटा करने के लिए इन दो शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, दोस्तों, अगर आपको यूज करनी है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, जिसे हम बोलते हैं, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं जहां पर उन्हें फॉर्मूलाज में स्क्वायर दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो आप सबसे आसान तरीका है सेलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू बटन को प्रेस करिए तो आप देखेंगे कि यहां पर ये स्क्वायर बन गया। उसके बाद ऐसे ही यहां पर है H2O लिखा हुआ, अगर हम इस टू को चाहते हैं कि ये जैसे साइंस में H2O लिखा रहता है उसी तरीके से आ जाए तो कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन दबाइए तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से सब स्क्रिप्ट भी लग गई। अगली शॉर्टकट की है, दोस्तों, अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी कर्सर को रखिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाइए। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर बटन को दबाएंगे तो यहीं से पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा दो हिस्सों में। देखिए दोस्तों, कंट्रोल एंटर दबाया, जैसे ही कंट्रोल एंटर हमने दबाया यहां से देखिए ये पहला पेज और ये देखिए वहीं से दूसरा पेज स्टार्ट हो गया और ये दो पेज अलग अलग टूट गए। अगर हम इन्हें वापस उसी तरीके से लाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे तो ये वापस से अंडू हो जाएगा, मतलब कि रिवर्स आ जाएगा। दोस्तों, अगली शॉर्टकट की है, दोस्तों, कंट्रोल के साथ एफ बटन। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाते हैं तो अगर हमें किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को ढूंढना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे ही हमने जैसे कि टाइप करा
इज, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जहां पर भी इज टाइप है वहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसने ये फाइंड कर दिया। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एच बटन, जिसे हम बोलते हैं रिप्लेस। अगर हम किसी भी वर्ड की जगह किसी और वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम उस वर्ड को यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि मैं इज की जगह चाहता हूँ कि यहाँ पर दिस आ जाए और मैंने इसे रिप्लेस स्टार्ट करा। देखिए दोस्तों यहाँ पर रिप्लेसिंग स्टार्ट शुरू हो गई। अगर आप हर जगह रिप्लेस करना चाहते हैं जहाँ पर भी इज लिखा है तो आप रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए और ये आपको बता देगा कि कितनी रिप्लेसमेंट यहाँ पर हुई है। इसी के बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जी बटन, जिसे हम गो टू भी बोलते हैं। गो टू, अगर आप किसी भी लाइन नंबर पर जाना चाहते हैं डायरेक्टली तो कंट्रोल जी दबाकर इस ऑप्शन में लाइन नंबर को डाल दीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला कि मुझे जाना है फोर्थ लाइन नंबर पर, तो यहाँ पर गो टू बटन पे दबाते ही यहाँ पर मेरा जो कर्सर है आप ध्यान से देखें तो ये फोर्थ लाइन नंबर पर आ चुका है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारी शॉर्टकट कीज को जाना है। इसी के बाद यहाँ पर एक चार शॉर्टकट कीज बाकी बचती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। दोस्तों जब भी आप किसी भी वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं तो देखिए दोस्तों वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि पहले से ही सेट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट का अलाइनमेंट आप राइट में लिखना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को, तो आप इसे सिलेक्शन दीजिए और कंट्रोल के साथ आर बटन दबा दीजिए तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप वापस से चाहते हैं इसे लेफ्ट में शिफ्ट करना तो कंट्रोल के साथ एल बटन दबाएंगे तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी के तरीके से अगर आप कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ ई बटन दबाने के बाद ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा है और उस पूरे पैराग्राफ को आप दोनों तरफ से इक्वल लाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट पर आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये जस्टिफाई अलाइनमेंट पर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की सीखी। अब कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो फाइल को खोलने, बंद करने और सेव करने और प्रिंट करने में काम आती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, जिसमें सबसे पहली शॉर्टकट की आती है कंट्रोल के साथ एन बटन। अगर आप कंट्रोल के साथ एन बटन को दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 आ चुका है। हम वापस से पिछले डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं जो आपके कंप्यूटर में आपने सेव करी है तो आप कंट्रोल के साथ वो बटन दबाएंगे तो आप अपनी पुरानी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पुरानी फाइल्स आ जाएंगी या दूसरा तरीका आप ब्राउज में जाकर अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है अगर आप डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट की से ही सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एस बटन दबाइए। कंट्रोल के साथ एस बटन दबाते ही यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम टाइप कर देंगे और जैसे ही आप अपनी फाइल का नेम टाइप करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सेव हो जाएगी फाइल। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की से आप इसे सेव भी कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल के साथ पी बटन, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट करने के लिए। लेकिन प्रिंट करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट को देख लेना चाहिए कि वो किस तरीके से प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है कि हम प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाकर इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अब मैं कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाता हूं जिससे कि आपको दिखेगा कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से प्रिंट होगा। इस तरीके से आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख सकता है। इसे खोलने के लिए हमने कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करा है। इसके बाद अगर मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ P बटन दबाइए। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ P बटन दबाएंगे तो यहां पर आपको प्रिंट का बटन दिख जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट बटन पर आपके प्रिंटर से ये प्रिंट निकल जाएगा दोस्तों। अब लास्ट शॉर्टकट की बचती है दोस्तों जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करने में सबसे ज़्यादा यूज आती है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी विंडो को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है ओल्ट के साथ F4। जैसे ही हम ओल्ट के साथ F4 बटन को दबाएंगे तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है दोस्तों। अब लास्ट में एक बोनस शॉर्टकट की आपको देना चाहूंगा जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्टकट में ओपन करने के लिए दोस्तों। सबसे पहले आपको विंडो बटन के साथ आर बटन दबाना होगा। जैसे ही आप विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक रन कमांड ओपन होगी। इस रन कमांड के अंदर आपको सिर्फ विन वर्ड को टाइप करना है और ओके बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे अब आपके सामने शॉर्टकट की से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉर्टकट कीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।